हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आप लोग सब कैसे हैं? सब बढ़िया ही होंगे अपने घर पे। तो आज हम लोग जा रहे हैं वैष्णवी और जिया को लेके चौपाटी। तो अभी हम लोग रास्ते में हैं, अभी हम लोग वो मून गार्डन में गए हैं। तो वहाँ पे हरियाली बहुत सारी थी, तो मैंने सोचा चलो उसका भी आज मैं वीडियो बना देती हूँ। और नाइट का टाइम हो गया था, तो नाइट वाला सब शूटिंग है। जिया और वैष्णवी को चौपाटी बहुत पसंद है, हर संडे के दिन बोलती है वैष्णवी चलो पापा चौपाटी, चलो मम्मी चौपाटी। तो हम लोग ऐसे उसको घूमने के लिए भी लेके जाते हैं। वहाँ पे दो बच्चे खेल रहे थे, तो उसको जिया देख रही थी, उसको भी फूल रैकेट खेलना है। और बहुत मज़ा किया चौपाटी में। हेलो एवरीवन, ये है चौपाटी का नज़ारा। नाइट में बहुत अच्छा दिखता है और लाइटिंग भी बहुत सारी लगवाई थी वहाँ चौपाटी में। ये जिया और वैष्णवी दोनों बॉल से खेल रही थी, जिया का तो बहुत मज़ा आता है ऐसे खेलने में। और वैष्णवी और जिया ने वहाँ से वेफर्स भी ली थी, तो वहाँ पे उन दोनों ने वेफर्स भी खाई और बॉल से दोनों बहुत खेली। जब भी चौपाटी जाते थे तब बॉल लेके ही जाते हैं हम लोग, दोनों वहाँ बॉल से बहुत खेलते हैं। और बहुत सारी पब्लिक भी वहाँ पे थी क्योंकि संडे था, इसीलिए जी ये सबको देख रही है, ये सब कौन लोग हैं। सबको ऐसे देखती है जैसे वो पहचानती हो, वैसे देखती है सबको। देखिए ये रही वैष्णवी, दोनों गोल के लिए जगह गई थी चौपाटी में। फिर वहाँ से एक लड़का निकला था, तो उसके हाथ में उन दोनों ने एक कुत्ता भी देख लिया, छोटा सा डॉग था, तो उसको लिया तो तुरंत वो भाग भी गया। देखो कैसे भाग गया, और वो भी अपनी माँ के पास चला गया था। फिर वापस से लोग सब पकड़ने गए वहाँ पे, वैष्णवी और जिया भी। जिया को चढ़ने में बहुत डर लगता है, वो धीरे धीरे से चढ़ती है ताकि वो गिर ना जाए। ये रही वैष्णवी, ये वैष्णवी के मामा है और मामी है। ये दोनों भी बैठ के चिप्स खा रहे थे। वैष्णवी तो हमेशा कबाब में ही हड्डी बनती है, दोनों के बीच में जाके ही बैठती है। नाइट का बहुत मस्त, वहाँ पे देखने का बहुत मज़ा आता है नाइट में, लाइटिंग भी बहुत सारी है। देखो वो भी ना कबाब में हड्डी वैष्णवी। फिर वैष्णवी जिया बहुत सारा वहाँ पे चली, दोनों को बहुत चलाया, फिर घर आके दोनों ही सो गए ऐसे ही। जिया बहुत वहाँ पे घूम रही थी और वैष्णवी भी उसके पीछे पीछे घूम रही थी। देखो जिया कैसे अकेले घूम रही है पीछे, उसके पास जाते हैं तो वो भागने लगती है जिया, उसको लगता है मेरे को पकड़ लेगी, अभी इसको वहाँ से उतरना है। हाथ दिया तो तुरंत उतर गई, बहुत डरती है ऐसे उतरने में। तो छोटे छोटे पेड़ से बहुत चलती है, हम
हमसे भी फास्ट चलती है जिया तो। सबसे आगे है जिया और उसके पीछे विष्णु, विष्णु के पीछे मैं। बहुत सारे पेड़ पौधे भी लगाए हैं, बहुत अच्छे हैं। अभी जिया गिर गई और खड़ी होके चलने भी लगेगी। उसको लगा किसी ने नहीं देखा है तो फिर चलने लगी, और हम लोग देख लेंगे तो रोने लगेगी। कितनी फास्ट चल रही है जिया। लोग सूरत में रहते हैं तो ये गार्डन का विजिट जरूर कीजिएगा। मून गार्डन है मोटावराछा में, और वहाँ पे मेले जैसा चकदोल वो भी लगाया हुआ है, और बच्चों के लिए भी सारा वहाँ पे है। सूरत में रहने वाले हैं तो मोटावराछा में मून गार्डन जरूर जाए अपने बच्चों को साथ में लेके, बहुत बढ़िया गार्डन है। और कमेंट करके बताइए आप लोग कहाँ से देख रहे हैं ये वीडियो में। हम तो सूरत के रहने वाले हैं, आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं। और ऐसे ही वैष्णवी और जिया का वीडियो देखना है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन भी दबा दीजिए। ऐसे ही हम लोग जो भी गार्डन चौपाटी जाएंगे वहाँ का ऐसे ही ब्लॉग बना के रखेंगे। फिर ये दूसरा टी डॉग पकड़ लिया था वैष्णवी को खेलने के लिए और जिया को, ये भी भाग गया। फिर दोनों को सब राइड्स में बैठना था, वैष्णवी और जिया को, तो फिर सारी राइड्स में बिठाया दोनों को। उन दोनों को तो बहुत मज़ा आता है, उसमें वैष्णवी का फेवरेट है जंपिंग चपात। वो जिया भी आज फर्स्ट टाइम उसमें गई थी, उसको भी उस पर बहुत मज़ा आ रहा था जंपिंग चपात में। जिया तो सब बच्चे को ही देख रही है। वैष्णवी तो छोटी थी तब से चौपाटी बहुत जाती है, बहुत लेके जाती है। हर संडे के दिन चलो चौपाटी, हर संडे के दिन चलो चौपाटी। चौपाटी उसको बहुत पसंद है, और उसको अच्छे से चौपाटी बोलना भी नहीं आता था तो वो बोलती थी चलो मम्मी चकाटी जाना है। अभी भी वो चकाटी बोलती है। जिया को तो अभी बोल नहीं रही, इसलिए क्या पता वो क्या बोलेगी। वैष्णवी तो चौपाटी को चकाटी बोलती है। फिर जिया को बिठाया हिचके में, तो उसको नहीं बैठना था तो पैर ऐसे ऊपर ही रख रही थी। जब भी नीचे करते तुरंत ऊपर कर लेती है, बहुत शैतानी हो गई है। नहीं बैठना है उसको। ये दोनों जंपिंग चपात में गए। वैष्णवी को बहुत मज़ा आता है जंपिंग चपात में। जब भी कहीं जाते हैं तो बोलती है मम्मी जंपिंग चपात में जाना है। पाँच दस मिनट में तो वो थक भी जाती है। ये जिया भी अंदर गई है जंपिंग चपात में, लेकिन डर लगता है कोई बच्चा उसके ऊपर गिर जाएगा। तो फिर भी उसको उसी में खेलना था, बाहर ही नहीं आ रही थी। फिर जबरदस्ती जिया को तो बाहर लेके आए, और वैष्णवी अभी तक खेल रही है, वो तो पूरा मजा लेगी। आपके बच्चे भी ऐसे जीत करते इसमें जाने का। कौन कौन अपने बच्चे को लेके चौपाटी जाते हैं हर संडे, वो भी कमेंट करके बताइए।
ताकि हमें भी पता चले कि सब पेरेंट्स चौपाटी हर संडे जाते हैं कि नहीं। हम तो जाते हैं बच्चे को लेके। ये लड़का है ना शैतानी, कैसे वो कर रहा है स्टंट। कितनी फास्ट चल रही है वैष्णवी। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी करना ना भूले।